आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी ही सबका बॉस है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस ने पीएम मोदी के रामायण वाले बयान की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, मोदी सरकार ने दिया आदेश, अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना होगा जरूरी। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, हरियाणा सरकार ने दिया आदेश, सरकारी स्कूल के अंदर या कैंपस के आसपास सिगरेट बीड़ी पीते पाए जाने पर टीचर को सस्पेंड किया जाएगा। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, कॉमेडियन मलिका दुआ ने पैडमैन प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अक्षय कुमार टाइम पास कर रहे हैं। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, समाज सेवी अन्ना हजारे ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी किसानों के नहीं उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश को जितना दिया उससे ज्यादा तो बाहुबली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, मशहूर पत्रकार सागरिका घोष ने जसोदा बहन दुर्घटना में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या मोदी जी अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, एकनाथ खड़गे ने सीएम फडणवीस को धमकी देते हुए कहा, मैंने मुंह खोला तो पूरा देश हिल जाएगा। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने विनय कटियार के बयान पर प्रहार करते हुए कहा, यह देश किसी के बाप का नहीं है। और बड़ी खबरों में ग्यारहवें नंबर पर है, तहसीन पूनावाला ने मणिशंकर अय्यर और रेणुका चौधरी की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी के लिए दोनों बोझ है। और बड़ी खबरों में बारहवें नंबर पर है, शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार नहीं चेती तो एक दिन हम सब दिल्ली में पकौड़ा तलेंगे। और बड़ी खबरों में तेरहवें नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मामले में सिब्बल से पूछा, क्या एक देश एक पहचान का आइडिया गलत है। और बड़ी खबरों में चौदहवें नंबर पर है, राज्यसभा टीवी ने टीएमसी सांसद का पूरा भाषण नहीं दिखाया, इसके लिए टीएमसी सांसद से माफी मांगा है। और बड़ी खबरों में पंद्रहवें नंबर पर है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर एफआईआर दर्ज होने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब नीतीश जी गठबंधन तोड़ लेंगे। और बड़ी खबरों में सोलहवें नंबर पर है, मोदी सरकार ने अडानी के खिलाफ खबर करने वाले ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार अमृता असली को नहीं दिया वीजा। और बड़ी खबरों में सत्रहवें नंबर पर है, चीन ने मालदीव मामले में कहा कि चीन मालदीव में किसी भी बाहरी दखल के खिलाफ है। और बड़ी खबरों में अठारहवें नंबर पर है, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और बड़ी खबरों में उन्नीसवें नंबर पर है, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आधुनिक टीम की तुलना पिछली पीढ़ी से नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी समय में भारतीय खिलाड़ियों ने बेस्ट करने की कोशिश की है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, फिल्म अय्यारी के रिलीज की तारीख बढ़ने से चिढ़े डायरेक्टर नीरज पांडे ने कहा, फिल्म का सत्यानाश हो गया है। ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। और आगे की खबरों के लिए हमारे रिपोर्टर अभिषेक कुमार आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बदरपुर विधानसभा में किस प्रकार शिक्षा को लेकर किए जा रहे राजनीति से परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा में हूं और यहां की एक ताजा खबर आई है, वो ये है कि जो स्कूल विधायक जी के फंड से बनाया जा रहा था जैतपुर पाटू में, उसे यहां के स्थानीय SHO द्वारा रोक दिया गया है। तो अब क्या है पूरी खबर, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जैतपुर जिले के आम आदमी पार्टी से, जो अध्यक्ष हैं सरजीत चौकन जी। चौकन जी से जानते हैं। चौकन जी, ये जो खबर है कि SHO साहब वहाँ पर आए और उन्होंने मना किया कि यहाँ पे स्कूल मत बनाइए या अभी फिलहाल के लिए रोक दीजिए, क्या पूरी इसकी है? ऐसा है जी, एक साल से स्कूल बन रहा था और वो एक मंजिल तैयार भी हो गया जब तो इन्होंने रोका था। सिर्फ एक राजनीति हो रही है इस पे। अब बोलते हैं कि NGT की परमिशन लाओ, LG साहब से परमिशन लाओ। एक साल से बन रहा था, क्या उसकी बगल में थाना भी बन रहा है और भी काम हो रहे हैं? ये सिर्फ राजनीति है। इस राजनीति के चक्कर में क्षेत्र की जनता को नुकसान होगा और ये आम आदमी पार्टी, जो हमारी अपनी आम आदमी पार्टी है, ये उसकी वजह से ज्यादा चिढ़े हुए हैं बीजेपी के लोग। सोचना चाहिए। मानते हैं इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार यही है कि विपक्ष
विपक्ष की वजह से हो रहा है सारा कुछ, राजनीति हो रही है। ये आप लोग बार बार यही आरोप लगाते हैं कि सामने वाला या हमारी विपक्ष या हमारे पूर्व विधायक हमें काम करने नहीं देते हैं, लेकिन एक वो होती है कि अभी सत्ता आपके पास है, आप लोग दिल्ली में हैं, आप पूरे विधानसभा में भारी बहुमत से हैं, और उसके बावजूद भी अगर ये एलिगेशन कि विपक्ष नहीं करने दे रहा है या ये रोक दे रहे हैं, तो जिस टाइम में उस बिल्डिंग की या नींव रखी गई थी या परमिशन लिया गया था, तो दिल्ली सरकार को परमिशन तो मिला होगा, वो परमिशन दिखाने के बाद भी ऐसे कुछ। देखिए, दिल्ली सरकार को परमिशन मिला था, अब इन्होंने बहाना मारा है कि NGT कोर्ट का, दिल्ली पुलिस ने। अच्छा, चूंकि ओजोन में क्षेत्र बताने लगे, नहीं तो उसमें थाना नहीं बन रहा, क्या नहीं है फिर, तो जनता की सुविधा के लिए सरकारी चीज है, सरकार बना रही है इसको, तो ये कोई प्राइवेट थोड़ी बन रहा है, सरकार बना रही है इसको तो भैया। अब हम इसमें जो है प्रदर्शन करेंगे। देखिए, बात कर रहे थे हम सरजीत चौकन जी से, इन्होंने बताया कि बदरपुर की राजनीति अब इतनी गंदी हो गई है कि यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों को, जो गवर्नमेंट सेक्टर के संस्थान है, उन पर भी कार्रवाइयां होने लगी। जबकि वहीं से थोड़ा आगे निकलकर आप जाते हैं तो ओजोन में स्थित ही दिल्ली पुलिस का जो स्टेशन हाउस बनना है, पुलिस स्टेशन बनना है, वो भी बन रहा है, लेकिन स्कूल को लेकर ही ऐसी कार्रवाई क्यों की गई है? क्या इसमें राजनीतिक भनक है? ये तो पड़ताल के बाद पता चलेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24, बदरपुर, दिल्ली। और ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।